सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक है। सलमान खान उन सितारों में से एक है जिनकी सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी तगड़ी फैन फॉलोइंग मानी जाती है। सलमान खान हमेशा से अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए रहते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं सलमान खान की उन तीन फिल्मों के बारे में जो फिल्में आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। यूं कहा जा सकता है कि सलमान खान के अगर आप भी फैन हैं और आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो इन तीन फिल्मों के बारे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले इस समय अगर सलमान खान की अगर फिल्म की बात करें तो सलमान खान इस समय राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं। उनकी इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं प्रभु देवा और प्रभु देवा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को साल 2020 के ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है। लेकिन इस फिल्म के अलावा भी सलमान खान की तीन ऐसी बड़ी फिल्में हैं जिन फिल्मों को लेकर सलमान खान अभी से ही काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं और ऐसे में इन्हीं तीन फिल्मों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले फिल्म का नाम आएगा कभी ईद कभी दिवाली। जी हां, साल 2021 के ईद के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का निर्देशन करने वाले हैं फराज साम जी और इस फिल्म के निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला। इस फिल्म की कहानी भी काफी ज्यादा अलग होने वाली है और हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की एकता की भावना को इस फिल्म में प्रकट किया जाएगा, यानी सलमान खान हिंदू और मुस्लिम को एक बार फिर से मिलाने के लिए इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, साथ ही इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट पूजा हेगड़े नजर आएंगी। इसी के साथ ही दूसरी बड़ी फिल्म की बात करें तो साजिद नडियाडवाला के साथ किक 2 आने वाली है। इस फिल्म को क्रिसमस 2021 के मौके पर रिलीज किया जा सकता है। किक 2 की कहानी पर एक लंबे समय से काम किया जा रहा था लेकिन इस समय जो खबर सामने आई है उसमें यह बताया गया कि साजिद नडियाडवाला और सलमान खान ने फिल्म किक 2 की स्क्रिप्ट को लॉक कर दिया है, यानी इस बार फिल्म की कहानी काफी ज्यादा जबरदस्त होगी और एक बार फिर से डेविल वाले किरदार में सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तीसरी और आखिरी बड़ी फिल्म की बात करेंगे तो इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां अभी से ही हैं। बताना चाहेंगे इस फिल्म का निर्माण करने वाले हैं सूरज बड़जात्या। जी हां, सूरज बड़जात्या ही सलमान खान को बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना बड़ा सुपरस्टार बनाने में काफी ज्यादा मदद की थी। सलमान के प्रेम वाले किरदार को सूरज बड़जात्या ही बड़े पर्दे पर लेकर आए थे और सलमान खान और सूरज बड़जात्या जब भी कोई फिल्म लेकर आए हैं तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाई है। ऐसे माना जा रहा है कि सूरज बड़जात्या इस फिल्म को लेकर एक बार फिर से अपने चाहने वालों के बीच एक बड़ी फिल्म लेकर आने वाले हैं। लेकिन खबरों की माने तो सूरज बड़जात्या की इस फिल्म में वो पुराने कलाकार नजर आ सकते हैं जो हमेशा से सलमान की फिल्मों और सूरज बड़जात्या की फिल्मों में रहते हैं, यानी आलोक नाथ और अनुपम खेर इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस फिल्म में बाकी क्या कलाकार होंगे इस बात की अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन सलमान खान को लेकर सूरज बड़जात्या अगर फिल्म बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस फिल्म में एक बार फिर से फैमिली ड्रामा हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी सलमान खान की आने वाली तीन बड़ी फिल्में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीवुड आई को अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए।